हेलो एवरीवन, देखिए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेल ईएमएफ और टीपीडी की, ठीक है, जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे और ड्राइव भी करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको पता ही है सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल्स ही होते हैं, तो वहाँ केमिकल एनर्जी बनेगी जो कि कन्वर्ट होगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि आपको पता है ना सेल हम कहाँ कनेक्ट करते हैं, जैसे किसी छोटे से बल्ब को जगाया है हमने, ठीक है ना, तो उसमें हमने सेल लगा दिया, तो बल्ब क्या है किससे चलेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो यानी कि सेल हमने लगाया तो सेल के अंदर तो क्या है, केमिकल्स, तो उसने केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखो इसका जो सिंबल होता है ना वो इस तरीके से होता है, ये हम एक बड़ा डंडा लगाएंगे, एक छोटा, ठीक है, और इस तरीके से हम इसको बना देंगे, क्लियर। तो ये जो हमने बनाया है सेल, जिसमें हमें पता है ये पॉजिटिव है और ये क्या है इसका, नेगेटिव है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो जैसे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पता ही है आपको कैसा होता है, ठीक है, यहाँ हमें डिस्कस नहीं करना, फिर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे इसकी। जैसे आपको पता है ये एक बीकर टाइप होता है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रोड लगा दी यहाँ और एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दी, इस तरीके से बनता था ये, और इसके अंदर क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन सा हो सकता है आपका, NaCl हो सकता है, या फिर कॉपर सल्फेट हो गया आपका, या जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, और ये क्या है हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही है ये सब, ठीक। अब यहाँ पर देखो जैसे हमने कहा कि अब बेसिकली इसमें हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना, नॉर्मल हम समझते हैं कि मान लो ये वाली हमारी पॉजिटिव है इलेक्ट्रोड और ये वाली क्या है हमारी नेगेटिव है। ये वाली तो पॉजिटिव वाली कौन सी होती है बताओ, कैथोड होती है, और नेगेटिव वाली कौन सी होती है हमारी, एनोड होती है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो जरा, अब इसके अंदर ये तो हमें पता है कि यहाँ पॉजिटिव हो गई, ये वाली क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर हमने कोई चीज़ कनेक्ट कर दी इसके अंदर, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे मैंने ये कहा ये एक सेल, मतलब एक क्या है यहाँ पर कुछ हमने इक्विपमेंट लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस आर है। देखो आर से हम क्यों लिख देते हैं इसको, मान लो यहाँ कोई बल्ब भी लगा दिया आपने छोटा सा, ठीक है ना, तो वो एक्चुअल में तो ऑब्वियसली बात है अगर यहाँ बल्ब लगेगा एक तो उसका भी तो एक रेजिस्टेंस तो होगा ही ना, क्योंकि ड्रॉप तो होगा ही वहाँ पर, वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही या नहीं होगा बताओ। तो इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मली आर लगा देते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि रेजिस्टेंस लगाया। कई बच्चे सोचते हैं कि रेजिस्टेंस लगाया फिर क्या फ़ायदा हुआ, यूज़ क्या इसका, ठीक है ना, मतलब क्या यहाँ पर कुछ ना कुछ हमने लगाया ही हुआ है, ठीक है। आप बल्ब सोच लो छोटा सा, या कोई मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा दिया, इस तरीके से ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ आर लगा दिया। कोई भी जैसे लोड होता है ना, लोड का मतलब क्या होता है, कोई इक्विपमेंट यहाँ लगाया तो उसके लिए हम यहाँ आर लिख देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। इतनी बात क्लियर हुई। रेजिस्टेंस का कईयों को नहीं समझ में आता कि रेजिस्टेंस क्यों लगाया, रेजिस्टेंस का तो कोई यूज़ नहीं है, तो सेल में क्यों लगा दिया हमने, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, आर किसके लिए, कोई इक्विपमेंट यहाँ लगाया उसका आर है ये, ठीक। अब देखो ये काम कैसे करता है, देखो पहली बात तो ये है कि सेल कोई इलेक्ट्रॉन्स जनरेट नहीं करता, पहली तो ये बात है, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये सिंपली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को। यानी कि जो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें, ठीक है, इन्हीं को मूव कराएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ करेगा क्या इनमें, ये इनको एनर्जी दे देगा, क्या देगा, एनर्जी, एनर्जी देगा तो ये मोशन में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गए तो क्या होगा, करंट आ जाएगा, ये सब आपको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बस जो जानने की बात थी कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, पहली तो बात है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, जैसे मान लो ये वाला जो है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे गए, ठीक, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गए, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो करंट ऐसे जाएगा। अब देखो जरा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर गए, अब यहाँ आने के बाद क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का, मेन यही है कहानी, यहाँ आने के बाद अब क्या सेल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देता है और इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेजता है, बात समझ। अब आप कहोगे पॉजिटिव से नेगेटिव थोड़ी जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब ये देख लो ना, इलेक्ट्रॉन घूम के ऐसे आया और करंट ऐसे गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है दोबारा भी तो जाएंगे ही, कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे, तो ये जो सेल है ये क्या कर रहा है, इसको एनर्जी ऐसी प्रोवाइड कर रहा है, वह तो ये नेगेटिव वाला है तो इसकी तरफ नहीं जाएगा, रिपेल होएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अकॉर्डिंग, लेकिन जो ये एनर्जी है ना सेल की, वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक को भी ओवरकम कर रही है, तो मतलब इतनी एनर्जी दे रही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ काम ही नहीं कर रही है, क्या कर रहा है अब यहाँ पर, नेगेटिव की तरफ भेज रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो एक फोर्स दे रहा है ना इसको इलेक्ट्रॉन को कि ये इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है एनर्जी मिल रही है इसको, फिर अगेन ये ऐसे जाएगा। तो मेन सेल का काम यही है अंदर कि ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे मोशन देता है, इलेक्ट्रॉन मोशन में आ गए एक बार तो करंट तो ऑब्वियसली बात है अपोजिट फ्लो होता ही है इलेक्ट्रॉन्स का। ये बात आपको समझ में आई या नहीं बताओ, ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ पर, ये कैथोड था हमारा, ये एनोड, ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, किस तरीके से ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया हमारा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, या तो सोडियम क्लोराइड का होगा, NaCl का,
ठीक है, और कौन सा बताया था मैंने आपको, जिंक सल्फेट हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, और ये जो रोड्स हैं ये तो आपको पता ही है, कॉपर की ले सकते हो आप, जिंक की ले सकते हो, ये सब आपको पता है। मेन यहाँ पर जो आपको कहानी समझनी है ना कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाते हैं, देखो यहाँ से गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, फोर्स मिली जैसी सेल आपने लगाया, इसको मिली, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सेल में क्या होगा, सेल कनेक्टेड है अगर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, ठीक है ना, तो यही सेल क्या कर रहा है यहाँ पर, अपनी एनर्जी दे रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ समझ में आई यहाँ पर, अभी इसका यूज होएगा आपको समझ में आएगा कि क्या है, तो यहाँ ये कन्फ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर ये टर्मिनल ऑफ किया हुआ ना, तो मैंने यहीं पर ही ऊपर ऐसे बना दिया ये करके, ठीक है, क्लियर हो रही हैं बातें या नहीं बताओ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं हम EMF। अब EMF से पहले एक चीज़ यहाँ समझ लो, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, देखो जैसे यहाँ प्लस का है ना ये, और ये माइनस का है, जैसे यहाँ पर हमने बोला कि ये प्लस वाले टर्मिनल पे है इसका 6 वोल्ट और माइनस वाले पे है इसका माइनस 3 वोल्ट, ठीक है। अब देखो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है ना यहाँ, मतलब ये सेल जो है यहाँ पर कितना बन रहा होगा हमारे पास, ये कैसे होगा, देखो ये प्लस का 6 है और डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस माइनस, यानी कि तो माइनस और ये माइनस का 3 ऐसे लगेगा, अब यहाँ तो 6 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 9 वोल्ट, यानी कि ये 9 वोल्ट का, ये चीज़ समझ रहे हो, फिर बच्चे इसको करते हैं 6 माइनस 3 3 वोल्ट का हो गया, ये नहीं, ये तो पहले माइनस में है ना, माइनस का 3 है, तो हम तो डिफरेंस लेते हैं 6 माइनस ऑफ माइनस 3, तो कितना आ गया हमारा 9 वोल्ट बन रहा है, क्लियर है। अब EMF की बात करते हैं, देखो EMF नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को मोशन देती है फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, सेल का ही EMF होता है और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये भी EMF भी क्या है, एक पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन इसकी कहानी समझो क्या कहता है, कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट इन यूज। अब ये ऐसे याद रखना ये, ठीक है, इसके बीच में आ गई है, नहीं तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, ठीक है, अगर मैं ये हटा दूं यहां से अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये बना लेना पहले तो आप, ठीक है, सेल के साथ की समझने के लिए सिर्फ, ठीक है, रफ में। अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट इन यूज, जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स पे मिल रहा है सेल के, कब, जब वो यूज में ही नहीं है। जैसे देखो अगर हम यहाँ पर बनाएं कि ये आर है या कोई इक्विपमेंट है, ठीक है, इसके साथ हमने ये सेल लगाया, लेकिन ये यूज में नहीं है, मतलब क्या है, ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में ये वाला सिंबल होता है ना, ठीक है, यानी कि ये स्विच भी बना सकते हो यहाँ आप, ठीक है, तो स्विच अगर बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा ये ओपन स्विच, ठीक है, तो जैसे मर्जी बना लो, ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, तो ये है हमारा ओपन सर्किट, यानी कि ऑब्वियसली बात है यहाँ कनेक्शन नहीं है, तो ये सेल अभी यूज़ में नहीं है, क्या है, यूज़ में ये नहीं है सेल। तो मान लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास इसका जो जैसे मान लो ये 12 वोल्ट का है, ठीक है, तो ये इसका EMF है, लेकिन ये कब है, जब ये इसके यूज में नहीं है, तो मतलब टर्मिनल्स पे पोटेंशियल डिफरेंस, इसके टर्मिनल्स पे मान लो यहाँ पर इसका ये एक टर्मिनल हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया, ठीक है, इन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब ये यूज़ में नहीं है, यूज़ में नहीं है मतलब यहाँ करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब जो होगा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होता है हमारा EMF होता है, ठीक है, लेकिन जब ये यूज़ में आ जाता है सेल तो ये EMF क्या बन जाता है हमारा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और थोड़ा ये कम भी हो जाता है। देखो ये चीज़ समझ में आई, देखो TPD क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन इट इज इन यूज, तो इसके लिए अगर हम बनाएंगे इस तरीके से बनेगा, देखो व्हेन इट इज इन यूज, तो इसमें हम यहाँ पर अगर एक सिंबल बनाएं क्लोज्ड का, तो ये जैसे हमने की अंदर डाल दी, ठीक है, या फिर आप इसमें क्लोज स्विच भी बना सकते हो, ऐसे क्लोज हो गया ये, ठीक है, तो जैसे मर्जी आप कर लो, ठीक है, ये की यहाँ लग गई, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास ये, और ये क्या है EMF, और ये V से हम इसका TPD बोलते हैं, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब ये यूज में आ, और यहाँ पर आपने R को समझ लेना, क्या यहाँ कोई ना कोई हमारा इक्विपमेंट लगा हुआ है, जैसे बल्ब भी लगा हुआ है कोई, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ रेजिस्टेंस होगा, क्लियर, तो उसके लिए R हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक। अब देखो समझने की बात क्या है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब ये यूज में नहीं है तो आप कहोगे कि EMF क्यों बोला, जब यूज ही में ही नहीं है तो इसका फायदा क्या है, जब वो यूज में है वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। अब देखो जरा होता क्या है, जैसे आप बाहर से कोई सेल लेके आए, ठीक है, आप एक सेल लेके आए बाहर से, जैसे वो रिमोट वाले अगर हम बड़े वाले देखें या घड़ी वाले देखें, तो उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, ठीक, ये चीज़ होती है, लेकिन ये इसका EMF है सेल का, क्योंकि वो अभी यूज़ में नहीं है, जब ये यूज़ में आएगा तो थोड़ा सा कम हो जाता है, कम क्यों हो जाता है, उसका कारण क्या है बताओ, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसका सेल का कुछ, तो कुछ ड्रॉप वहाँ हो जाता है, जब वो यूज़ में आएगा तो ऑब्वियस बात है वो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव क्यों होगा वो, क्योंकि आपको पता है ये सेल क्या करता है, यहाँ पर देखो
ये अगर हमने बनाया था इस तरीके से, ऐसे बनाया था, तो हमने कहा था यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, ये चलते हैं इस तरीके से, और करंट ऐसे मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आए जब इधर जाते हैं, तो ये जब इधर जाएंगे तो यहाँ इनके बीच में क्या होगा, टकराव भी तो होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, आयन से टकराएंगे, मतलब यहाँ क्या होगा, इनके टकराने का भी तो होगा ना सिस्टम, ऐसे थोड़ी बस चलेगा यहाँ, तो जब टकराएंगे तो वो क्या है, एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, तो सेल का अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो कि वो ऑफर करता है जब वो यूज में आता है, जब वो यूज में नहीं आया तो ये मूव कर ही नहीं रहे इधर, है ना, जब आपने उसको यूज में ले आए तब ये काम करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर मूव करेंगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ क्या होगा इनके लिए, एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, मतलब क्या है यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन सी आएगी इनके लिए इधर मूव करने के लिए, अब वो हमें पता भी है नॉर्मल भी मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो टकराते हैं आपस में, इधर उधर टकराएंगे आयन से, एटम से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो वही चीज़ है, समझ रहे हो आप बात को, तो ये जो टकरा रहा है यहाँ पर ये क्या पैदा कर रहा है, एक तरह का रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, रेजिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल में, करंट आपका कम हो जाता है उसमें, ठीक है ना, और रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, वही क्या है हमारा रेजिस्टेंस है, तो ये फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट करेगा तो ऑब्वियस ही बात है करंट भी कम होगा हमारा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसी के अपोजिट में हम क्या बोलते हैं कि करंट आ रहा है, कम इलेक्ट्रॉन तो कम करंट, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ज़्यादा करंट, तो ये इलेक्ट्रॉन जब देर में जाएंगे यहाँ से तो एक तरह से क्या हो रहा है यहाँ पर, रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है, समझ पा रहे हो ये वाली कहानी को, समझ रहे हो, तो ये कब आएगा लेकिन जब वो यूज में होगा, तो जब वो यूज में होता है तो इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वहां पर कुछ खर्च हो जाएगी वोल्टेज, जो बचेगी वो यहाँ जाएगी, तो इसलिए जो बचती है ना वो हमारा टीपीडी होता है, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट है उसको तो वही मिलेगा ना, तो वो क्या है हमारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक्चुअल में जो हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं सेल की, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और लिखा होता है उस पर क्या, EMF लिखा होता है, क्या इतनी बात क्लियर है, अब इसको एक एग्जांपल से समझो, देखो जरा ये इतनी बात क्लियर हो रही है ना, बताओ टीपीडी कब यूज है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब हम सेल को यूज कर रहे हैं, और जब हम सेल को यूज नहीं कर रहे तब उस पर जो होती है रेटिंग लिखी हुई वोल्ट की, वो क्या है हमारा EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, देखो इसका एक एग्जांपल से समझते हैं, देखो जैसे मैंने कहा ये एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और यहाँ एक सेल लगा दिया हमने, ठीक है, ये है हमारा मान लो 12 वोल्ट का, ठीक है, कितने का है ये 12 वोल्ट का है, क्लियर, ये है हमारा EMF E, तो ये 12 वोल्ट का है, अब ये तो आपको पता है ना इसके टर्मिनल्स कौन से होंगे, यहाँ पर ये जो टर्मिनल्स होंगे ये टर्मिनल्स होंगे ना इसके, ये वाले, ठीक है, सेल के, ठीक, तो यहाँ 4 ओम का, यहाँ 12 वोल्ट का है ये, ठीक, क्लियर है, अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जो करंट आएगा हमारा इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर ये EMF दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो करंट होगा हमारा I इज इक्वल टू में क्या होता है V/R, बिकॉज V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा IR होता है, तो यहाँ से जब हमने I निकाला तो वो क्या बन जाएगा V अपॉन में R, तो V क्या है यहाँ पर E है, तो मैं E/R लिखूंगा यहाँ, क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है, अभी मैं सिंपल आपको करके बता रहा हूँ, ये EV नहीं लिख रहा ताकि आपको कोई यहाँ पर दिक्कत ना हो, ठीक है, तो यानी कि वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस, तो 12 अपॉन में 4, तो ये कितना आ रहा है हमारा 3 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, लेकिन इन रियलिटी ये 3 एम्पियर का नहीं है, वैसे यहाँ ये 3 एम्पियर का आया लेकिन इन रियलिटी ये नहीं हुआ, हमने क्या किया यहाँ पर जब हमने एक एमीटर लगाया, एमीटर क्या होता है बताओ, एमीटर क्या होता है जो करंट की वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है, जब हमने यहाँ एमीटर लगाया तो जो एमीटर ने वैल्यू दी यहाँ पर वो कितनी दी, बट एमीटर गिव्स रीडिंग ऑफ 2 एम्पियर, ऐसा क्यों हुआ 2 एम्पियर का बताओ, क्योंकि इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो है, वो यानी कि काम कर रहा होगा बीच में, अब देखो जरा यहाँ पर क्या है, जैसे हमने कहा ये है हमारा, ठीक, और ये है, और देखो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि मैं यहाँ बना रहा हूँ छोटा सा, ठीक है, तो जो टर्मिनल्स होंगे ना वो यहाँ इस तरीके से आप समझ लेना ये होंगे, यहाँ क्यों बना रहा हूँ दिखाने के लिए, वह तो अंदर ही है इसके, इस सेल के अंदर ही है, क्योंकि ये देखो ना यहाँ पर अंदर ही ये रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इसका, ठीक है, और जिसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं, ठीक, और ये है हमारा कैपिटल आर जो कि था 4 ओम का, ये थी हमारी 12 वोल्ट की, और ये रहा आर 2 ओम का, अब देखो जरा यहाँ पर ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसा होता है, तो मैं ये सिर्फ यहाँ पर इसलिए 2 ओम लिया कि आपको ये लगे कि ये 2 एम्पियर कैसे आया, देखो जरा अब देखो क्या होगा यहाँ पर अगर हम आई निकाल लेंगे, तो V कितना है हमारा यहाँ पर 12 है, और R कितना हो जाएगा, देखो ये सीरीज में होगा हमेशा, जो ये रेजिस्टेंस होगा हमेशा किस में होगा, सीरीज में इसके साथ ऐड होगा, ठीक है, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, नीचे रेजिस्टेंस V/R होता है ना, तो 12/6 कितना आ गया ये 2, तो ये 2 एम्पियर का आ रहा है ना,
अब आप कहोगे सर ये तो 12 वोल्ट ही लिए, अभी अभी रुको तो जाइए जरा, ठीक है ना। ये 2 एम्पियर आया, समझ रहे हो बात को, ये 2 एम्पियर आ गया, ठीक है जी, हमें समझ में आ गया ये 2 एम्पियर आ गया। अब यहाँ पर सोचो जरा, यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी, V इक्वल टू क्या होता है आई आर, आई कितना है 2 है, R कितना है 4 है, कितना आया 8 वोल्ट मिल रही है ना यहाँ पर, तो यानी कि टीपीडी, क्योंकि यहाँ 8 वोल्ट मिल रही है तो ये वाले टर्मिनल्स पे कितनी है 8 वोल्ट है, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस इसके अंदर ही है, यहाँ पर कितनी वोल्टेज ये खुद में ले गया, अगर हम देखें V इक्वल टू में आई आर होता है ना, तो 2 इंटू में 2, 2 करंट का हो गया I और R ये वाला 2 कितना हो गया 4 वोल्ट, तो ये ले गया 12 में से 4 माइनस करो 8 वोल्ट बचा, या नहीं टीपीडी, टीपीडी कैसे निकला हमारा ईएमएफ माइनस में ये आई आर ये वाला, तो ये वी इज इक्वल टू में ई माइनस में आई आर, ये अभी हम प्रूफ भी करेंगे इसको, लेकिन अभी यहाँ के लिए समझ लो कि ये क्या है, ये समझ में आया ना कैसे आया, ये वी कितना था हमारा ये वाला, टीपीडी कितना आया 8 वोल्ट, क्योंकि टर्मिनल्स के क्रॉस जो मिलता है हमारा जब ये यूज में है सेल, तो यूज में सेल है तो ये एक्टिवेट हो गया आर, ठीक है ना, तो इसके क्रॉस कितना मिला हमें 8 वोल्ट मिला, क्योंकि कुछ इसके इंटरनल रेजिस्टेंस ने वोल्टेज ले ली यहाँ पर, समझ रहे हो ना इस बात को, तो यहाँ पर देखो जरा ये कितनी थी हमारी V, कितनी आई है 8, ये कैसे आई है E 12 माइनस में ये वाला I और R, है ना I 2 और ये वाले R की वैल्यू 2, तो कितनी होगी ये 4, तो इस तरीके से आया है हमारा 8, क्लियर है। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये अभी हम ड्राइव भी करेंगे, लेकिन इतनी बात समझ में आई या नहीं बताओ, ये कैसे हो रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाएगा ना यार जब यूज़ में आ गया, तो जब यूज़ में आ गया तो कुछ वोल्टेज तो उसी ने ले ली, वो कहते हैं ना कि लाए तो आप 3 वोल्ट का थे सेल, ठीक है ना, लेकिन वो काम 2 वोल्ट वाला ही कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 1 वोल्ट वो खुद में ही खाएगा जब आप यूज़ में लाओगे, क्योंकि उसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो क्रिएट होगा, जैसे ये बताया मैंने, क्योंकि उसका काम क्या है इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना, तो जब वो यहाँ अपने अंदर मूव करवाएगा इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या होने वाला है वहाँ पर बताओ, रेजिस्टेंस पैदा होगा ना, टकराएंगे वो आपस में, टकरा रहे हैं तो मतलब क्या रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, क्लियर है इतनी बात बताओ, ठीक है। तो हर सेल में एक इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, ये चीज़ मत सोचना कि नहीं होगा, होगा ही होगा, तो ये बात समझ में आई यहाँ पर बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो ये काम कब हो रहा है, V इज इक्वल टू में ई माइनस आई आर वाला, जब ये सेल क्या कर रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज क्यों हो रहा है, अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, इसको दे रहे हो एनर्जी, है ना, यहाँ पर एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रॉन्स को, करंट आ रहा है, तो अभी तो सेल खत्म तो होगा ही ना, ऐसे थोड़ी आपका सेल चलता ही रहता है, खत्म तो होगा ही वो या नहीं, तो अगर खत्म हो रहा है तो यानी कि वो क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है। अब एक कहानी समझो इसकी, कि जब चार्जिंग करते हैं, देख चार्जिंग वाले सेल भी आते हैं आपने देखा होगा, देखिए चार्जिंग वाले सेल, एक जैसे एक हमारे पास बॉक्स टाइप होता है, जैसे सेल लगते हैं ना, जैसे एक रिमोट में लगते हैं, ऐसे ही एक बॉक्स टाइप होता है उसमें सेल लगते हैं और उसको हम यहाँ पर शू में डाल देते हैं, ठीक है, तो स्विच ऑन करते हैं तो वो चार्जिंग होने लग जाती है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है, चार्जिंग वाले केस में देखो जरा, उसमें क्या होगा, जैसे हमने कहा यहाँ ये आर से कनेक्ट किया ना हमने, ठीक है, अब तो हमने ये लोड हटा दिया इसका, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको चार्ज कर रहे हैं इसको सेल को, ठीक। तो इसको हम जब चार्ज करेंगे तो हमने कहा ये इस तरीके से, अब आप कहोगे सर शू में लगा दिया तो वहाँ तो एसी होती है, तो यार वो जो इक्विपमेंट जो हमने लगाया है ना वो कर क्या काम कर रहा है, वहाँ एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट कर रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है जितने भी सेल्स वगैरह होते हैं सब डीसी देते हैं, डायरेक्ट करंट देते हैं, और जो हमारे घर में आ रही है जो वोल्टेज वो कौन सी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है, अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। लेकिन इतनी बात है कि हाँ ये जो आपने इक्विपमेंट लगाया है ना अपने घर पे, वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक तरह से सेल की तरह वो वोल्टेज दे रहा है इस सेल को चार्जिंग के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट पे ही चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है डायरेक्ट करंट से ही चार्ज होगा ये, तो ये चार्ज जब होगा तो देखो होगा क्या इसके अंदर, देखो समझो इस बात को, देखो करंट ऐसे चलेगा इसमें, पॉजिटिव से नेगेटिव ये करंट आएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर से, ठीक, इलेक्ट्रॉन आएंगे ऐसे, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे इसमें, तो पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, ये वाला केस कौन सा है, जब मैंने यहाँ पर क्या लगाया था, एक लोड लगाया था, ये तो लिख ही लिया होगा ना आपने, मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि आपको ये डायग्राम तो अच्छे से समझ में आए ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, ये रेजिस्टेंस ऐसे लगाया था, तो जब ये रेजिस्टेंस लगाया था तब इस केस में क्या हो रहा था, हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे थे और करंट ऐसे मूव कर रहा था, क्लियर है इतनी बात या नहीं, क्या हो रहा था यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे थे और करंट ऐसे मूव कर रहा था, जब हमने चार्जिंग करी इसकी सेल की तब क्या हुआ इसके अंदर बताओ, इस तरीके से पॉजिटिव को पॉजिटिव से अटैच किया, नेगेटिव को नेगेटिव, तो क्या हुआ इसके अंदर, ये जो करंट है हमारा उल्टा घूमने शुरू हो गया, मतलब जब हम
जब हमने कोई इक्विपमेंट लगाया हुआ था तो करंट ऐसे मूव कर रहा था, लेकिन जब चार्जिंग की तो करंट ऐसे मूव करने लग गया, समझ रहे हो? क्योंकि ऑब्वियस बात है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ऐसे फ्लो हो रहे हैं इसमें, और पहले वाले में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे थे, ऐसे फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो करंट ऐसे आएगा, और जब चार्जिंग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं तो और जो हमारा करंट है वो कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। तो ये देख लो अपोजिट है बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लिखा था अभी मैंने, ये वाला वी इज इक्वल टू, में क्या लिखा था मैंने, ई माइनस में आई आर, अभी करेंगे हम इसको पूरा डिटेल में, अभी समझ लो। तो जो चार्जिंग का केस होगा ना उसमें क्या हो जाएगा, ये वाले करंट की डायरेक्शन अब चेंज हो गई, तो ये माइनस का आई आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये ई माइनस माइनस प्लस का आई आर आ जाएगा। अब देखो ये जो कहानी है ये किसकी है, चार्जिंग के केस में चार्जिंग, और ये वाली जो कहानी थी कौन सी थी, ये डिस्चार्जिंग ऑफ सेल की कहानी थी। तो इसमें आपको साफ पता चल रहा था कि V हमारा कम होता है EMF से, है ना, जब भी हम सेल को यूज़ करेंगे तो जो हमारा TPD आएगा वो क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि इस केस में जो TPD है हमारा वो EMF से कम होता है, यानी कि EMF ज़्यादा होता है इस केस में। लेकिन जब चार्जिंग करते हैं तो देखो चार्जिंग में हो क्या रहा है, यहाँ पर वी में वी इज इक्वल टू में क्या है, ई प्लस कुछ है, ई में कुछ प्लस हो रहा है, तो यानी कि ये वी तो ई से ज़्यादा ही आएगा, तो यहाँ क्या हो जाता है, V ग्रेटर हो जाता है E से। तो ये याद रहना चाहिए, चार्जिंग के केस में V यानी कि TPD ग्रेटर होता है EMF से, लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर, यानी कि जब हमने नॉर्मली किसी इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट किया हुआ है तब क्या हो रहा है, देखो V इज इक्वल टू में E माइनस IR, यानी कि E में से कुछ माइनस हो रहा है, तो E में से कुछ माइनस हो रहा है यानी कि V कम ही आएगा ना, जैसे यहाँ पर 12 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये V इस E से तो हमेशा कम ही होगा, तो ये चीज़ समझ में आई। तो V हमारा लेस है E से कब, जब वो कनेक्टेड है। तो इस केस में टीपीडी कम होगा हमेशा ईएमएफ से, लेकिन चार्जिंग के केस में ईएमएफ से ज़्यादा होगा टीपीडी, और डिस्चार्जिंग के केस यानी कि जो नॉर्मली हम लगाते हैं इक्विपमेंट के साथ सेल को, तो उसमें क्या होगा, टीपीडी हमारा कम होगा ईएमएफ से। क्या इतनी बात क्लियर है? तो ये अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बेसिक सा फंडा आपको पता चल जाना चाहिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों कंडीशंस क्यों आई हैं, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है। जब ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं तो वो यूज़ में नहीं है, तो यानी कि वहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा, तो हम कह रहे हैं कि हाँ जी इतनी वोल्टेज है। लेकिन जब सेल कनेक्ट हो गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक्टिवेट हो गया, वहाँ कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और जो बचेगा वो मिलेगा आगे जाके, तो वो है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज यहाँ टर्मिनल के डिफरेंस, टर्मिनल ये टर्मिनल्स हो गए ना इसके, ये वाले, ठीक है ना, रेजिस्टेंस तो कहाँ लगाया, यहाँ पर कहीं, यहाँ अंदर है रेजिस्टेंस, ठीक है, तो वो हम यहाँ साथ में लगाते हैं, लेकिन टर्मिनल्स ऑफ द सेल तो ये बनाएंगे हम यहाँ। कई बच्चे कहते हैं यहाँ जी आपने ये छोटा रेजिस्टेंस बना दिया तो टर्मिनल्स तो ये रहे, अब खुद सोचो ना ये यहाँ बनाया जरूर है लेकिन है तो इसके अंदर ही, एक्चुअल में तो अंदर ही है ना वो, तो इसके टर्मिनल्स हम यहाँ पर ये लेके चलते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ आ गया आर, क्लियर है इतनी बार, एक्टिवेट हो जाता है ना ये, तो लेकिन टर्मिनल्स तो ये रहेंगे सेल के, क्यों रहेंगे ये, क्योंकि ये आर तो इसी के अंदर है और ये तो की लगाई है हमने जस्ट, की क्लोज सर्किट है ये, ठीक है ना, तो ये तो नॉर्मली एक वायर ही आप समझ सकते हो पूरी पूरी क्लोज है, तो ये टर्मिनल्स मान लिए हमने इसके यहाँ पर डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ उनके लिए समझा रहा हूँ कि कहीं से कहते हैं यहाँ आर लगा दे तो टर्मिनल्स तो ये हैं इसके, ये तो आर इसके अंदर है ना, जो बनाने के लिए यहाँ पर बना दिया दिखाने के लिए कि आर यहाँ है, क्लियर है इतनी बात। तो जो टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है जब वो यूज में है सेल, तो वो क्या है हमारा टीपीडी, और इसके क्रॉस कितना मिलता था हमें, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया तो 8 वोल्ट मिला, बिकॉज ये 2 ओम का था तो 2 वोल्ट यहीं पर ही, सॉरी 4 वोल्ट यहाँ पर ही ड्रॉप हो गया, क्योंकि ये 12 वोल्ट की हमने ली थी, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया था, ये 4 ओम का, तो 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया और यहाँ पर कितना मिला 8 वोल्ट, तो इनके टर्मिनल्स के इन पॉइंट्स पे जो डिफरेंस मिल रहा है वो क्या है हमारा 8 वोल्ट का है, तो इसलिए वो TPD क्या हो जाती है हमारी कम हो जाती है EMF से। आ रही होगी बात समझ में हमने क्या किया है यहाँ पर, ठीक है। तो TPD EMF, ठीक है, ये सब क्यों हुआ हमारा, इंटरनल रेजिस्टेंस आया, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है बताओ, रेजिस्टेंस ऑफर करता है इंटरनली, ठीक है ना, अंदर जो होता है, ठीक है, उसको हम लिखते हैं, पहले ये नोट कर लो सारा आप, ठीक है, क्लियर है, ठीक, ये सब कुछ समझाने का था ये वाला, ये अपना साइड में नोट करना समझने के लिए, ये जो सब कुछ था हमारा, ठीक है। अभी ये वाली डिस्कस करेंगे बाद हम दोबारा, कि ये टीपीडी कम कहाँ है ज़्यादा कहाँ है, जब मैं ये वाला ड्राइव करूँगा फॉर्मूला, ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, और ये वाली जो लाइन लिखोगे क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज, ईएमएफ के लिए था ये, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए था, ठीक है, करो इसको जल्दी से नोट, फिर हम आगे करते हैं, ठीक है, करो जल्दी से नोट करो। हाँ जी, देखिए अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल के बारे में हमने लिख दिया यहाँ पर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल व्हेन इट इज इन यूज, यही आपको बताया था, रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है सेल जब वो यूज में आता है, क्योंकि वही इंटरनली क्या हो जाता है, वहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब अंदर से मूव करते हैं तो क्या होगा, वहाँ
एक दूसरे से वो टकराते हैं तो वही इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाता है उनके लिए, ठीक है। इन यूज एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, ये हमें पढ़ा था अभी, ठीक है। एंड इट इज ऑलवेज एडेड टू द इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हमेशा ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ एड ही होता है, ठीक है। जैसे कि हमने वहां पर किया था, अगर आपको याद हो, जैसे हमने कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस है आर, 4 ओम का था ये, और ये हमारे पास बैटरी लगी हुई थी, सॉरी सेल लगा हुआ था 12 वोल्ट का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था यहाँ 2 ओम का, ये आर लिया था हम, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, जब हमने आई निकाला था इस केस में, तो हमने क्या कहा था, ये वाला क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय आर होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ ये ई है, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। वी को हमने क्योंकि टीपीडी से लिखा है, पीछे वहाँ लिख भी लेना, वी को हम टीपीडी बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नॉर्मली हम फॉर्मूला तो यही पढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ से करंट निकालते हैं तो ये ई अपॉन में टोटल आर होगा, ठीक है ना। तो ई कितना है यहाँ, 12 है, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको ऐड करो, 4 और 2 कितना हो गया हमारे पास, 6 हो गया। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 2 एम्पियर का आ रहा है, ठीक है, याद आया। अगर हम ये इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं ले रहे थे, हम सिंपली कर रहे थे, तो वहाँ पर आई कितना आ रहा था हमारे पास, 12/4 कर रहे थे, 3 एम्पियर, जो कि हमारा गलत था, क्योंकि हमने ये रेजिस्टेंस तो लिया ही नहीं, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, क्लियर है। तो हमें याद है ना ये चीज़, तो यहाँ E 12 वोल्ट था, तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर निकाल लेंगे करंट 2 एम्पियर, वो कैसे आएगा, अभी टोटल रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे हमने कहा ये 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब आपको ये पता है यहाँ पर V कितना आया इसके क्रॉस, आई आर होता है ना, तो 2 हो गया आई और आर हो गया 4, कितना आया 8 वोल्ट। तो ये 8 वोल्ट इसके इन टर्मिनल्स पे मिल रहा है ना सेल के। अब आप कहोगे यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर है, ये तो यहाँ दिखाने के लिए किया, ठीक है। तो इस इन टर्मिनल्स के क्रॉस ये कितना मिल रहा है यहाँ पर, 8 वोल्ट। तो इसका जो टीपीडी है वो कितना है, 8 वोल्ट है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये 8 वोल्ट अगर है यहाँ पर, अगर इससे हम निकाल लें कि यहाँ पर कितना करंट होगा, तो वो भी निकल जाएगा, वो अब ईजी हो जाएगा। देखो I इज इक्वल टू में वी बाय आर करूँगा मैं, तो अब वी ये लूँगा 8 वोल्ट वाला, और आर ये लूँगा, तो भी देख लो कितना आ रहा है, 2 एम्पियर का आ रहा है इसके इसमें करंट, समझ रहे हो ना बात को, क्या है, 3 तो आएगा ही नहीं, चाहे इस वाले फॉर्मूले से करो जिसमें हमने ये क्या किया है, E इज इक्वल टू में यहाँ पर आर प्लस में आर किया है, तो चाहे आप इस वाले से करो, ठीक है ना, आंसर सेम ही आने वाला है। अगर यहाँ E लोगे तो दोनों रेजिस्टेंस आएंगे, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अगर V वाला करोगे तो बस इसके क्रॉस जो होगा हमारा रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये है V, तो आई जाएगा हमारा, लेकिन आएगा वो 2 एम्पियर ही। ये चीज़ भी क्लियर हो रही होगी अभी आपके, ठीक है। लेकिन अभी और समझ में आएगा जब मैं ये अभी प्रूफ कराऊंगा ना, वहाँ पर इसका यूज होने वाला है। तो ये तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए समझाया कि उसने बोला इट इज ऑलवेज एडेड इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर ऐड ही हो रहा है ये 4 के साथ, ये 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑन विच द इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड, किन पे करता है इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड। देखो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाते हैं, हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक, ये हमारी एक इलेक्ट्रोड हो गई, एक ये इलेक्ट्रोड हो गई, इस तरीके से ही बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने बोला था ये पॉजिटिव वाली हो गई हमारी कैथोड, और ये वाली नेगेटिव वाली होगी हमारी एनोड। हमने क्या कहा था यहाँ पर कि जब ये कनेक्ट हो रहा है मान लो ऐसे किसी से बाहर इस तरीके से, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, देखो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव ऐसे कर रहे हैं, इनको फोर्स मिली है, ऐसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और करंट हमारा ऐसे मूव कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन घूम के इधर आता है तो ये इधर जाता है, यही बताया था मैंने आपको। और यहाँ पर क्या होता है, ये टकराते हैं एक दूसरे से, ऐसे तो ये इजिली चला जाता है, टकराता भी है, और रेजिस्टेंस यहाँ पर आता है उसकी वजह से, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस अब किन फैक्टर्स पे यहाँ डिपेंड करता है। तो देखो जरा, सबसे पहले हम बात करें एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं, देखो ये कैसे लगी हुई हैं इलेक्ट्रोड्स, अगर हम देखें, देखो ये इस तरीके से हैं, ये एक इलेक्ट्रोड हो गई, एक इलेक्ट्रोड ये हो गई, ठीक है। अब अगर देखो इसको ऐसे समझो मेरे सामने, ऐसे ये एक इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड, अगर ये ऐसे है तो ये इनका एरिया यहाँ कम है, यहाँ भी कम है, ठीक है ना। तो ये जब इसके पास जाएंगे तो क्या होगा, एरिया अगर कम है यहाँ पर आप देखो तो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो नहीं जा सकते ना, अब एरिया कम है इधर, ठीक है ना, तो कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। अब मान लो एरिया इतना हो गया इलेक्ट्रोड्स का, अब क्या होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इधर चल जा सकते हैं ईजिली। तो ये क्या है, अगर एरिया बढ़ा दोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा हमारा, बताओ, कम हो जाएगा, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, क्लियर है। तो ये देखो ज़रा यहाँ पर ये एरिया होता है इलेक्ट्रोड्स है, एरिया बढ़ाओगे तो वे सारा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा जाएंगे उधर, ठीक है ना, तो यानी कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कम क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है करंट ज़्यादा आएगा, करंट ज़्यादा है तो यानी कि रेजिस्टेंस कम है, ये तो पता है ना आपको, V इज इक्वल टू में आई आर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आई V इज इक्वल टू में आई आर होता है ना, तो आर का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, वी बाई आई, तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई है। तो आर अगर हमारा कह रहे हैं हम कि कम होगा, रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है करंट क्या होगा, बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है करंट बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है।
अगली बात करते हैं गैप बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो गैप है इनके बीच का, ये जो डिस्टेंस है, अगर इसकी बात करें हम, तो इसमें क्या होगा, देखो अगर आप डिस्टेंस जो है इसका बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा इसका इंटरनल वाला। क्यों बढ़ेगा, देखो समझो इस बात को, ये इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कम डिस्टेंस है, चला जाएगा, एक दो से टकराएगा और चला जाएगा, ठीक है। अब डिस्टेंस इतना हो गया, अब तो भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और बीच में खड़े हैं जी दुश्मन, यहाँ भी टकराएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जितना लंबा रास्ता उतना टकराना ज़्यादा, तो ये इधर देर में पहुँचेगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसमें, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, टकरा रहे हैं ज़्यादा, इधर कम भी पहुँचेंगे उसकी वजह से और इनमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा। समझ रहे थी बात, तो ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स कम जाएंगे इधर क्योंकि टकरा जाएंगे ज़्यादा वालों से, तो इधर पहुँचेंगे कम इलेक्ट्रॉन, तो कम पहुँच रहे हैं तो यानी कि करंट भी कम होगा, करंट कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या, यानी कि यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही होगा। क्लियर है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ऑब्वियसली बात है, जो इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं ये कैसी बनाई, कैसी ली हैं आपने, अच्छी क्वालिटी वाली ली हैं या लो क्वालिटी की ली है, अगर अच्छी क्वालिटी की लोगे तो ये रेजिस्टेंस कम ऑफर करेंगी, ठीक है। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ये भी इसी की बात है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के भी ऊपर यही चीज़ है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है किस टाइप का है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर, कितना इनके बीच में टकराना होगा, कितना नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे एटम्स आयंस के साथ। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आई है कहानी, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके, क्या है, ठीक है। तो छोटी सी बात थी, बस समझना था आपको, ठीक है। मेन मुद्दे पे आओ, यहाँ टू प्रूव दैट वी इज गल्ड में ई माइनस आई आर, जो कि अभी मैंने पीछे आपको बताया, ये कैसे आता है, याद आया ये वाला, ये वाली कहानी से, इसमें आपको पता है ना ये 8 वोल्ट मिल गया था, ठीक है ना, 8 वोल्ट मिला, कैसे मिला ये, 12 इधर का और इधर वाले में कितना आ गया था रेजिस्टेंस इंटरनल वाली की वजह से, वोल्टेज यहाँ कितनी ड्रॉप हुई, 2 एम्पियर का करंट था और रेजिस्टेंस कितना है ये 2 का है, तो 4 वोल्ट यहाँ आ गई, तो यानी कि 12 माइनस 4 ये 8 ऐसा है, यानी कि ये V है TPD, ये E है और ये क्या है हमारा IR है, ये चीज़ आई थी, ये चीज़ प्रूफ करनी है हमें यहाँ पर किस तरीके से। तो वही कहानी है कि लेट कर लिया हमने एक सेल ले लिया हैविंग EMF E इज़ कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये हमने एक सेल लिया इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लिया, इसको कनेक्ट कर दिया हमने सेल के साथ, और जब हम इसको क्लोज सर्किट में रख रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है इंटरनल रेजिस्टेंस भी रोल प्ले करेगा, यहाँ R आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर ये R है हमारा, ये वाला R हो गया, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है इसमें I इस तरीके से, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यही लिखा हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्टेड कर दिया, करंट I स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, ऑब्वियसली बात है जब हमने क्लोज सर्किट रखा है, या फिर ऐसे बना लो इसमें क्लोज सर्किट के लिए, ऐसे करते हो ना, ये बिंदी बना देते हो, ठीक है, ऐसे बना लो, नहीं तो नॉर्मली वायर कनेक्ट कर दो, ऑब्वियसली बात है क्लोज सर्किट है, ठीक है। लेट आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कम्स इन टू प्ले, आर जो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसको आपने किस में कर दिया, क्लोज सर्किट में, तो करंट फ्लो करेगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ कुछ पोटेंशियल अपना ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है ना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इन टर्मिनल्स पे जो मिलेगा वो आर को कम वोल्टेज मिलेगी, जो कि हमारी TPD होती है, यही है बात, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सर्किट वो कितना होगा, देखो देखो I इज इक्वल टू में V बाय R होता है, अभी V यहाँ हमारा E है और R क्या हो जाएगा, अब ये चीज़ समझ नहीं है मेन, कई बच्चे सोचते हैं अब यहाँ E क्यों ले लिया हमने, ठीक है, जब ये क्लोज सर्किट आ गया, भाई E तो ले सकता हूँ ना मैं, समझ लो, वो बात अलग है कि इसके अक्रॉस TPD मिल रही है, लेकिन है तो यहाँ E ही, कुछ ड्रॉप यहाँ हो गया, कुछ यहाँ हो गया, इसके अक्रॉस हम कहते हैं कि TPD मिलती है, EMF तो वही है, E है। अब देखना कहानी समझना, अभी जो यहाँ पर मैंने अभी समझाई थी वो चीज़ ही समझ में आएगी अभी आपके, देखो, और यहाँ वोल्टेज होती है, यहाँ रेजिस्टेंस होता है, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा आपका, R प्लस में R होगा। अब इस चीज़ को समझो, यहाँ से आपको याद होगा जब मैंने 2 एम्पियर निकाला तो I इज इक्वल टू में जब मैंने लिखा E अपॉन में R इक्विवेलेंट, क्योंकि V बाई R इसका नॉर्मल फॉर्मूला होता है, लेकिन यहाँ E है और ये R इक्विवेलेंट है, तो हमने इस तरीके से निकाला, देखो E इज इक्वल टू में R प्लस R, ये इसीलिए समझा रहा था मैं आपको, E कितना है 12 है और R प्लस R 4 और ये वाला 2 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे ही तो आया ना यहाँ पर आपके पास, ये देखो ये कैसे आया आपके पास, 12 ऊपर हो गया, 4 प्लस 2 ये हो गया 12/6 ऐसे आया, तो 2 आया, तो यहाँ से ये 2 आ रहा है। अब इसके क्रॉस अगर हम कहें, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं EMF ले लिया जी करंट कहाँ आएगा, अभी फॉर्मूले में E लिख दिया आपने, करंट तो आएगा ही नहीं, भाई वो बात नहीं है, बात क्या है कि यहाँ पर हम E को कंसीडर नहीं करते जब वो ओपन सर्किट, सॉरी E को कंसीडर करते हैं यानी कि जब वो ओपन सर्किट है, यानी कि हम उसको EMF मानते हैं, ठीक है, सेल का, और जब वो क्या होता है क्लोज सर्किट यानी कि यूज में हो जाता है, तब वो EMF ना रहकर क्या बन जाता है, TPD, लेकिन किसके क्रॉस बनता है, वो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस बनता है, समझ रहे हो इतनी बात, लेकिन मैं यहाँ सॉल्यूशन जब निकाल रहा हूँ तब तो कहानी ले सकता हूँ ना, क्योंकि ये देखो मैंने ये जैसे यहाँ से लिया तो 2 एम्पियर आया, और जब मैंने इसके क्रॉस लिया TPD के क्रॉस निकाला, देखो V अपॉन में
आर, तो वी यहाँ कौन सा लिया, ये 8 वोल्ट वाला, और आर सिर्फ ये 4 लिया तो भी 2 एम्पियर आए। तो ये बात समझने की थी, कई बच्चे कहेंगे आई इज इक्वल टू में वी बाय आर होना चाहिए यहाँ, तो जब क्योंकि ये तो क्या हो गया जी, क्लोज हो गया, मतलब ओपन तो रहा नहीं तो ई तो आएगा नहीं, क्लोज हो गया तो यहाँ तो टीपीडी काम करेगी। वो बात सही है, टीपीडी काम करेगी, हम क्योंकि वो आर के क्रॉस देखते हैं ना हम, कि आर के क्रॉस अब टीपीडी हो गया, सेल जो है वो इंटरनली कुछ खा गया अपनी वोल्टेज, जो दे रहा है वो बाहर वो कम दे रहा है। लेकिन जब मैं करंट निकाल रहा हूँ तो करंट में मैंने यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर कर तो लिया, तो आई तो अब वही आएगा ना। अगर मैं इसके क्रॉस निकाल लूंगा जैसे कि मैंने यहाँ किया V बाय R करके, तो V लिया 8 और R अब 4 वाला ही लिया। लेकिन जब मैं इधर E वाले से कर रहा हूँ तो मैं दोनों R ले रहा हूँ ना, ये भी तो है ना फिर कहानी। तो करंट तो वही आ रहा है सेम ही, चाहे ये लिख दो चाहे वैसे लिख दो। अब ये फायदा क्या होता है, अगर ये फॉर्मूला हो आपको कहीं क्वेश्चन में, E गिवन हो तो ये फॉर्मूले से करंट निकलेगा, अगर V गिवन हो तो आप समझ जाना कि वो टीपीडी की बात कर रहा है, E गिवन नहीं है वहां पर, या फिर आपको छोटा आर नहीं पता, नहीं दिया हुआ, तो वहां जो भी वोल्टेज दी होगी क्वेश्चन में वो आप समझ लेना टीपीडी है, तभी तो वी बाई आर करके आएगा आंसर। जहां ये स्मॉल आर दे दिया वहां पर क्या होगा, मतलब वहां वो ई दिया हुआ बताएगा वो कि ई है। तो इससे भी करंट सेम ही आ रहा है, इस वाले से भी सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ वी अब 8 लिया है, यहाँ आई में ई कितना लिया था हमने 12 लिया था, और यहाँ दोनों रेजिस्टेंस लिए थे, यहाँ एक ही रेजिस्टेंस लिया, तो करंट सेम आ रहा है, तो वैल्यू सेम ही आनी है, तो इसलिए फॉर्मूला गलत नहीं है। कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है इसमें जी, ई कैसे ले लिया, आई कैसे आ गया, ई के केस में तो आई आएगा ही नहीं, होता है ना आपको भी कन्फ्यूजन थी, वो बात सही है, लेकिन वो एक थ्योरेटिकल बात है समझाने की। लेकिन न्यूमेरिकली में तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी ना, आप करंट में ऐसे भी तो निकाल सकते हैं ई अपॉन में आर प्लस आर, और वो भी सही है बात, इसके क्रॉस अगर वी पता है तो मैं निकाल सकता हूँ आई इज इक्वल टू में वी बाय आर, ये वाले से भी निकल सकता है करंट, वो बात सही है, लेकिन ये भी सही है, ठीक है। तो हमें यहाँ ये ड्राइव करना है, इस वजह से ऐसे कर रहे हैं हम, तो ये यहाँ पर देखो जरा क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी ऐसे, आर प्लस में आर इज इक्वल टू में ये ई आ गया, यहाँ से क्या आएगा देखो, ये आई आर प्लस में आई इंटू में स्मॉल आर, और ये E है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये IR कौन सा IR है, ये वाला IR है, यहाँ से ये I गया इसमें R गया, तो इसके क्रॉस ये V इंटू IR बनता है, तो यही तो TPD होता है हमारा, जो कि हम कहते हैं कि इन टर्मिनल्स पे मिलता है, सेल के ही टर्मिनल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये R तो एक्चुअल में अंदर है यहाँ पर, ठीक है ना, तो टर्मिनल्स ये मान लिए हमने, तो ये क्या बन गया इसका V इज इक्वल टू में IR, यहाँ पर जो ड्रॉप हो रहा है वो V इज इक्वल टू IR, यानी कि ये क्या है I इंटू में R, और ये वाला यहाँ पर कौन सी वोल्टेज ड्रॉप होती है I इंटू में स्मॉल R वाली यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हम क्या करेंगे देखो, तभी तो E में देख लो, ये वाला IR प्लस ये वाला IR ऐसे आया हुआ है, ठीक है। अब देखो ये वाले IR को मैं TPD लिख सकता हूँ V, क्योंकि ये TPD होता है R के क्रॉस जो भी हो रहा है हमारा, वो पोटेंशियल कौन सा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लस में ये IR आ गया हमारे पास, और ये रहा E, तो यहाँ से V की वैल्यू देखो क्या आ गई, E माइनस में IR, तो यही तो प्रूफ करना था आपको, बताओ आया समझ में कैसे किए, बताओ बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, करो इसको नोट जरा। देखो एक चीज को आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल अच्छे से, कि जो आई की वैल्यू हमने ली ई अपॉन में आर प्लस में आर, ठीक है ना, जो स्मॉल आर वाली ली है ये, और आई इज इक्वल टू में अगर हम करें वी बाई आर, तो वो बात क्या है हमारी, एक ही है क्या, इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है बात, करो इसको नोट जल्दी से फिर आगे करते हैं हम, करो नोट, कर लिया नोट, ठीक है। अब देखो इसमें आप यहाँ नोट करके ना कुछ वो भी लिख सकते हो जो मैंने आपको बताया था, एक क्या बताया था, देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर सेल कनेक्ट है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, तो इस केस में देखो V इज इक्वल टू में E माइनस आई आर आ रहा है, यानी कि E में से कुछ माइनस हो रहा है तब V आ रहा है, तो यानी कि E बड़ा होगा ना, क्योंकि E में से कुछ माइनस हो गया V के बराबर आ रहा है, तो E यानी कि ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं नोट में फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा, कि जो TPD है हमारा वो क्या है, लेस है किससे, EMF से, यानी कि EMF ग्रेटर है, ठीक है। ये है डिस्चार्जिंग का, ऑब्वियस बात है जब आप सेल कनेक्ट करते हो तो ये डिस्चार्ज ही हो रहा होता है सेल एक्चुअल में। अब सेकंड बात करते हैं हम, वाइल चार्जिंग अ सेल तब मैंने आपको बताया था चार्जिंग अ सेल में क्या होता है आपके पास, जैसे यहाँ पर हमने बताया था ये, ठीक है, ये वाली कहानी थी। तो यहाँ पर देखो जब चार्ज करोगे तो यहाँ मान लो इस तरीके से ये कनेक्ट किया आपने, ठीक। अब इसमें होगा क्या, यहाँ से करंट ऐसे जाएगा ये, ठीक है ना, इनके पास, क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ये ऐसे मूव करेंगे उल्टा, तो करंट ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, पहले करंट जब आपने इसको एक्सटर्नल आर के साथ कनेक्ट कर रखा था, यहाँ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो करंट ऐसे जा रहा था, लेकिन जब इसको चार्जिंग पे लगाया आपने, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, को नेगेटिव को नेगेटिव, तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो उल्टा करंट मूव करने लग जाता है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पर हमें, मैंने आपसे ये डिस्कस किया भी था, ई माइनस में और ये माइनस का आई और ये R ऐसे आ जाएगा, तो E माइनस माइनस प्लस का ये
IR बन जाता है। तो इस केस में देखो ये कहानी बनती है, फॉर्मूला भी याद रखना आप चार्जिंग के केस में। तो यहाँ पर देखो V कब आ रहा है, जब E में कुछ ऐड हो रहा है, तो E में कुछ ऐड होके V आ रहा है, तो यानी कि V तो इससे ज़्यादा ही होगा। तो इस केस में जो होता है हमारा TPD ग्रेटर होता है EMF से, याद रहेगा। बताओ, सिंपल सी बातें हैं लेकिन बड़ी गहराई वाली हैं, ठीक। बताओ आ रहा है समझ में। अब इसमें एक थर्ड पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे, बात है अगर इस केस की हम बात करें, अगर यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है आपको यहाँ, अगर यहाँ पर आई जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, कब हो जाएगा ये जीरो, यहाँ पर आई जीरो कब हो जाएगा बताओ, जब ये आर क्या हो सकता है, आर क्या हो, ये इन्फिनिटी हो, ठीक है, उस केस में, क्योंकि अभी तो कनेक्टेड ही है, तो तभी एक्सेप्शन ही लिया हमने कि आई जीरो तो वैसे क्या होता है, जब कनेक्ट ही ना हो, जब कनेक्ट हो गया भी आई जीरो हो जाए तो कब होगा, जब आर बहुत इन्फिनिटी हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इन्फिनिटी वाला तो, लेकिन फिर भी चलो अगर ये चीज़ ले ली तो इसमें देखो ये जो हमारा मेन फॉर्मूला था यहाँ पर, आई ये जीरो हो गया, अगर आई जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो गई पूरी, तो वी इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ पर, ई के इक्वल आ जाएगा, तो वी इक्वल टू में ई बन जाता है हमारा, ठीक है, बात इतनी बताओ समझ में आया। तो ये नोट करो जरा, फिर इसके बाद हम इंटरनल रेजिस्टेंस को ड्राइव करते हैं, पहले ये नोट कर लो जरा अच्छे से, जल्दी से करो जल्दी से नोट। हाँ जी, अब बात करते हैं हम एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और ये स्मॉल आर इज इक्वल टू में स्मॉल आर, इस तरीके से लिखा था हमने, स्मॉल आर इज इक्वल टू में आर ई बाय वी माइनस में वन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ड्राइव करना है, ठीक है। तो देखो जरा हम बात करते हैं यहाँ पर प्रूफ की, तो इसमें हमें पता है रिलेशनशिप बिटवीन द TPD एंड EMF, अभी हमने जो किया था, तो हम देखें यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रिलेशन बिटवीन TPD एंड EMF, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। क्या रिलेशन था इनका बताओ, V इज इक्वल टू में E माइनस में IR, ये था, ठीक है। ये वाला आई आर इधर लेके आओ, देखो तो ये वाला आई आर इधर प्लस का हो जाएगा, क्योंकि मुझे आर चाहिए ना, तो आर यहाँ से निकाल दूंगा, और ये ई एज इट इज़, और ये वाला वी इधर जाके माइनस का भी हो जाएगा, समझ में आया, ये माइनस का आई आर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, इतनी बात तो समझ रहे हो कि नहीं, बताओ है कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रही होगा, नहीं नहीं सब अच्छे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो अब जरा हम आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो ऑब्वियस बात है ये वाला जो आई है वो इन दोनों के नीचे ऐसे आ जाएगा, ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ई बाय आई माइनस में वी बाय आई, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों के नीचे है ना, दोनों के नीचे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो, एज वी नो आई की जो वैल्यू होगी वो वी बाय आर होगी, नहीं 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 सर, आई की वैल्यू वहाँ ये होगी, आई की वैल्यू तो आपने ये लिखी थी ई अपॉन में आर प्लस में आर, ये कहोगे ना, तो ये भी तो थी वी बाय आर नहीं थी, अगर आपको याद हो पीछे जो मैंने आपको टॉपिक करवाया अभी, उसमें मैं जब एग्जांपल दे रहा था ये वाला, जिसमें ये वाला एग्जांपल दिया मैंने कि ये 12 वोल्ट की है ईएमएफ यहाँ, और ये है 4 ओम का रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो मैंने आपको जब बताया था कि आई हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ई अपॉन में ये आर प्लस में आर, ई कितना है 12 है, आर है 4, और ये 2 कितना 12/6 कितना आया 2 एम्पियर का, और इसके अक्रॉस भी तो निकाल सकते हैं हम, सिर्फ इसके अक्रॉस अगर हमें पता है वोल्टेज V यानी कि TPD वो कितना है हमारा IR, यहाँ से हमें पता चल गया 2 एम्पियर का करंट है, तो V कितना आ गया 2 × 4 8 वोल्ट, तो 8 वोल्ट अगर इसके क्रॉस है तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ करंट, अगर मुझे किसी तरीके से ये पता है कि इसके क्रॉस 8 वोल्ट है तो यहाँ से करंट निकाल दो V बाय R, V कितना इसमें 8 है और ये 4 है, यहाँ से भी 2 एम्पियर आ रहा है, तो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये तो मैंने जैसे आपको बताया कि 8 वोल्ट आ रहा है ऐसे करके, नहीं तो कहोगे सर यहाँ भी करंट निकाल दिया, यहाँ भी, यहाँ तो करंट आपने ये वाला ले लिया, फिर इससे ये निकाल रहा, तो इससे ये निकाल रहा, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर ये TPD मेरे को इसके क्रॉस पता है, V पता है यानी कि, और ये पता है, तो जो आंसर आएगा 2 एम्पियर का जैसे यहाँ आया वही आएगा जो I का E अपॉन में दिस टर्म से आया, तो इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना, तो यहाँ पर मुझे ये वाला फॉर्मूला चाहिए I इक्वल टू में V बाय R, क्योंकि ये चीज़ याद रखना ये टर्म जो है ना I इक्वल टू में E R प्लस में R इक्वल है V बाय R के, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई, बताओ। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, अगर ये हमारी वन है, ठीक है, तो इसमें पुट करो, देखो R इज इक्वल टू में E अपॉन में I की वैल्यू कितनी है V बाय R, तो V बाय R, वो R ऊपर चला जाएगा, यहाँ से भी V बाय I, I की वैल्यू कितनी है V
बाय आर, तो वो आर ऊपर चला जाएगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा होगा क्या, इस वी से ये वी कट गया, तो देखो जरा तो क्या होगा इसके अंदर, देखो यहाँ से अगर हम देखें ई आर बाय वी माइनस में आर, ये है, तो यहाँ से अगर मैं आर कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, देखो ई बाय वी ये बचा और माइनस में यहाँ तो आर बाहर चला गया तो ये वन बचा, तो यही हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने कर दिया प्रूफ। समझ रहे हो बात को या नहीं बताओ, ठीक है। तो ये प्रूफ करना था हमने, हैंस प्रूव्ड एचपी, हिमाचल प्रदेश हरियाणा प्रदेश कुछ भी समझ लो, ठीक है, क्लियर। बताओ आया समझ में कैसे किया ये, ठीक। अब यहाँ पर हम एक केस डिस्कस करते हैं मैक्सिमम पावर डेसिपेशन का, क्या केस डिस्कस करना है हमें मैक्सिमम पावर डेसिपेशन का। देखो नॉट मैक्सिमम पावर डेसिपेशन, देखो डेसिपेट क्या होता है, यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी खर्च होगी, जैसे हम कहते थे ना ईएमएफ है हमारा, लेकिन एक्चुअल में क्या मिलता है उसे, टीपीडी मिलता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पावर डेसिपेशन कब होगी, मतलब मैक्सिमम पावर डेसिपेशन मतलब क्या है कि इंटरनली पावर सबसे ज़्यादा कब खत्म हो सकती है, तो उस केस के लिए देखो ये कब हो सकता है, इस जो स्मॉल आर है आपका वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाए, मतलब ये वाला जो आर है किसके इक्वल हो जाए, कैपिटल आर के, उस केस में। तो देखो जरा वहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा कि हमारा जो वी होगा वो कितना रह जाएगा एक्चुअल में। तो देखो आर इज इक्वल टू में आर कर दिया हमने, ठीक। तो यहाँ से देखो जरा इस आर की वैल्यू जो ये अभी हमने निकाली है यहाँ पुट करो, तो आर ई बाय वी माइनस वन ये रख दी मैंने स्मॉल आर की इंटरनल डिस्टेंस की वैल्यू, और आर ये रहा, ये आर इसके नीचे जाएगा e बाई वी माइनस वन, ये वाला आर इसके नीचे चला गया, तो यहाँ भी कितना आ गया, वन आ गया। तो देखो e बाई वी माइनस वन इज इक्वल टू में वन, तो e बाई वी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये वन इधर है और ये माइनस वन इधर जाके प्लस का वन, तो ये टू आ गया। e इज अपॉन में वी, तो e इज इक्वल टू में कितना आ रहा है आपका, टू वी आ रहा है, ठीक है। लेकिन मेन मेरे को तो यहाँ से v चाहिए, तो v कितना बन जाएगा यहाँ से, e बाई टू बन जाएगा। आप देख लो जरा आधा ही हो गया, TPD कितना हो गया, हाफ हो गया किसके, EMF के, समझ रहे हो। तो ये मैक्सिमम पावर डेसिपेशन होगी सेल की कब, जब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के, तो उस केस में TPD क्या हो जाएगी हमारी, हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मतलब सेल तो लाए हो आप 5 वोल्ट का, लेकिन मिलेगा कितना, 2.5 वोल्ट मिलेगा, 2.5 वोल्ट मिलेगा। समझ रहे हो बात को, क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है जी। करो इसको नोट जरा, फिर हम आगे करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, करो जल्दी से इसको नोट। हाँ जी, देखिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं एनसीईआरटी के लिए, मैंने क्वेश्चन 3.2 और 3.11। इसको करने से पहले ना एक छोटे से टॉपिक कर लेते हैं हम यहाँ पर, सेल कनेक्शंस। देखो सेल कनेक्शंस के लिए, देखो जैसे आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं, अगर हमारे पास इन सीरीज हैं तो देखो कैसे होते हैं, जैसे ये एक सेल है और दूसरा एक सेल ये कनेक्टेड है, ये है E1 और ये है E2। देखो इसका माइनस अगले के प्लस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि जो E इक्विवेलेंट होगा इसके अंदर हमारा वो क्या हो जाएगा, E1 प्लस में E2 हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर इसके अंदर कनेक्शन ऐसे बने हो, जैसे एक ये हो गया और ये वाला नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो गया दूसरे सेल का, मतलब ये E1 है और ये वाला E2 है, तो अब जो E होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, E1 माइनस E2 होगा। वो देख लेना कि बड़ा कौन सा है, ठीक है, जो भी बड़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लो E1 इसमें बड़ा है, तो ये EA आया ना हमारा, तो जो इसका इक्विवेलेंट जो सेल बनेगा वो जैसा E1 है ना ऐसा ही बनेगा, क्लियर है इतनी बात या नहीं। ये चीज़ आपको इसमें देखनी पड़ेगी, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों ही ऐड ही हो रहे हैं, तो जैसे ये हैं ऐसे ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा हमें कि कौन सा बड़ा है, जैसे मान लो ये बड़ा है, तो E1 माइनस E2 करा, तो जो E बनेगा हमारा ये इक्विवेलेंट वाला, ये कैसा बनेगा बताओ, कैसा बनेगा, ये जैसा कि हमारा बड़े वाला है, ठीक है बात इतनी क्लियर है। अगर E2 बड़ा होता तो मैं यहाँ लिखता E2 माइनस E1, क्लियर है, क्या लिखता मैं, E2 माइनस E1 और सेल बनाता मैं E2 जैसा, जैसा ये E2 बना हुआ है, ठीक, जो इक्विवेलेंट वाला होता। थर्ड हम बात करें, अगर जैसे माइनस माइनस से कनेक्ट है, ऐसे भी हो सकते हैं कनेक्ट, ये वाला ऐसे, मतलब ये वाला E1 हो गया आपका, ये वाला E2 हो गया। इस केस में भी क्या होंगे, ये माइनस ही होंगे, E1 माइनस में E2 ही बनेगा। इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कौन सा बड़ा है, तो यानी कि माइनस माइनस अटैच हो तो माइनस, प्लस और प्लस हो तब भी माइनस, अगर एक माइनस है एक प्लस है तो दोनों सेल ऐड हो जाते हैं, क्लियर है। ये होता है जोड़ना सेल्स को, तो ये कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। मान लो ये 2 वोल्ट का है, ये 6 वोल्ट का है, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया हमारे पास बताओ, 8 वोल्ट का, ठीक है। ये मान लो यहाँ 6 का है, यहाँ 2 का है, तो 6 माइनस 2
4 वोल्ट आएगा, ठीक है। ये 6 का है, ये 2 का है, तो 6-2 4 वोल्ट का आएगा, ठीक है। इतनी बात ये चीज समझ में आई, इसको करो नोट, फिर मैं इसमें पैरलर के लिए बताता हूँ। करो जल्दी से इसको नोट, ठीक है। देखो पैरलर के लिए हम कैसे करेंगे इसके अंदर, देखो पैरलर में थोड़ा सा अलग चलता है सिस्टम, ठीक है। तो उसमें हमें ड्राइव भी करना होता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है ड्राइव करना, ठीक है। तो हम ड्राइव तो नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताता हूँ। देखो पैरलर के अंदर क्या होता है, देखो जैसे ये एक सेल कनेक्टेड है, इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक। और यहाँ पर एक सेल ये कनेक्टेड है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये होगा, ठीक है। और ये यहाँ से ऐसे ये ए हो गया हमारा, ये वाला बी हो गया, ऐसे ही पैरलर में बनता है। ये R1 है, ये R2 इंटरनल रेजिस्टेंस, ये E1 सेल है, ये हमारा E2 है। तो इस केस में जो E इक्विवेलेंट बनता है पैरलर के केस में, वो क्या बनता है, E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन में R2 अपॉन में 1 बाय R1 प्लस में 1 बाय R2, ऐसे सॉल्व होता है, क्लियर है। याद रहेगा इसमें कुछ ऐसा नहीं डायरेक्ट ऐड कर दो माइनस कर दो, सीरीज में था इसमें, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या करते हैं रोल प्ले करेंगे इस चीज़ के अंदर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये इस तरीके से करते हैं। अब इसमें भी क्या हो सकता है जरा वो समझ लो, जैसे मान लो ये वाला E2 क्या है, उल्टा कनेक्ट हो गया, ठीक है। उल्टा कैसे कनेक्ट हो गया, देखो जैसे ये ऐसे, समझ रहे हो, यहाँ से ये देख रहे हो पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ऐसे उल्टे कनेक्ट हो गए इसके, तो ये वाला माइनस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या फिर जो भी बड़ा होगा इनमें से पहले वो रखोगे और फिर छोटे वाला माइनस करोगे, ठीक है। जैसे कि सीरीज में बताया था मैंने, बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस होता है, ऐसे यहाँ भी बड़े वाले में से छोटे वाला आप माइनस करोगे। तो ये जैसे अपोजिट का हो गया, तो ये माइनस लगा दिया हमने, कितनी बात समझ में आई या नहीं। नीचे ही ऐसे ही रहेगा, ये प्लस में ही रहेंगे, ये नहीं चेंज होंगे, ठीक है, ये चीज़ प्लस में ही रहेगी, क्लियर है इतनी बात, बताओ समझ में आया, ठीक है। अगर आप सीरीज में वहाँ आर इक्विवेलेंट निकालते तो वो तो क्या होते हैं, ऐड ही होंगे आर वन प्लस आर टू, लेकिन ये पैरलर में है तो यहाँ पर ये वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू और ई इक्विवेलेंट में ही इनका यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर आप सीरीज में देखोगे तो E इक्विवेलेंट सिर्फ E1 और E2 से ही सॉल्व हो रहा है हमारा, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर हमारा E इक्विवेलेंट ऐसे यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये अपोजिट ऐसे लगा हुआ है तो ये साइन यहाँ माइनस का आ जाएगा, बस इतनी फर्क है, ठीक है। कर लोगे इस चीज़ को, समझ में आया ये, ठीक। उसके बाद देखो जरा हम क्वेश्चन करते हैं अब अपने, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई अगर आपके तो। देखो क्वेश्चन 3.2 करते हैं, देखो सबसे पहले तो इसमें देखो क्वेश्चन 3.2 में देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन 3.2, देखो क्या कहता है। अ बैटरी ऑफ ई एम एफ 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। मतलब क्या है इसमें, अगर हम देखो बुक में से मैं एक बार इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, इसको स्टेटमेंट को, कनेक्टेड टू अ रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, व्हाट इज द टर्मिनल। तो देखो जरा सिंपल सी एक कहानी इसमें बोल रहा है आपको, क्या बोल रहा है, कहता है एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर। तो सिंपल अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन 3.2 का, तो वो ये बनेगा, देखो ये एक रेजिस्टर है मान लो ये आर, इसके साथ ये बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है तो हम ये इस तरीके से बना देंगे, ठीक है ना। देखो बैटरी का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सेल से जो मिलके बनती है वो क्या होती है, हमारी बैटरी बन जाती है, इस तरीके से बनाते हैं हम बैटरी, दो सेल जोड़ दी हमने तो ये बैटरी बन गई, ठीक है। ईएमएफ है इसका कितना हमारे पास 10 वोल्ट है, और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ लगा होता है वो कितना है, 3 ओम का है, और आर हमें इसमें निकालना है, और करंट इन द सर्किट वो है वो कितना है इसमें 0.5 एम्पियर का, इसमें क्या है करंट है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, तो हमें आर बताना है। तो देखो सिंपल आई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसमें ई अपॉन में ऊपर वाला आर प्लस में ये वाला आर, ठीक है ना, ये क्योंकि हमारा स्मॉल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्लियर। अब देखो जरा यहाँ पर ई कितना है हमारा 10 है, और आर कितना है हमारा इसमें निकालना है हमें, और ये वाला आर है हमारा 3, और करंट की वैल्यू है 0.5, तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ अगर ये इस तरीके से 0.5 है करंट की वैल्यू, ई हमारा 10 है, आर हमें निकालना है और ये है 3, तो देखो यहाँ पर ये इधर जाएगा 0.5 और ये R प्लस में 3 आ गया और ये रहा 10, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे इसका तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 अगर ये है हमारा तो 5 टू ज़ा 10, तो ये 1 बाई 2 आ रहा है, R प्लस 3 इज इक्वल टू में ये 10, और 2 इधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, तो R प्लस 3 कितना आ गया हमारा 20, और R कितना आ जाएगा देखो यहाँ से हमारा 20-3 दैट इज़ अ 17 ओम का जो है हमारा रेजिस्टेंस आ गया आर। उसके बाद वो ये कहता है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज,
ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो V भी निकालना है, तो V का फॉर्मूला पता है आपको, E माइनस में क्या होता है हमारे पास IR, तो E हमारा कितना है 10 है और ये कितना है 0.5 और R कितना है हमारा 3 है। तो देखो 10 माइनस में 5 बाई ये 10 इंटू में 3, 5 टू ज़ा ये 3 बाई 2 हो रहा है, 10 माइनस में 3 बाई 2 यानी कि 10 माइनस में 2 वन ज़ा 2 5 ज़ा, तो 10 में से 1.5 माइनस कर दो आप तो ये हमारी क्या आ जाएगी, V आ जाएगी। तो देखो 10 में से 1.5 माइनस करना है, तो ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गया 8, तो ये कितना आ रहा है 8.5 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो इसको, दूसरा एक और तरीके से निकाल सकते हो V इज इक्वल टू में IR करके, तो यहाँ पर I तो यही रहेगा 0.5 लेकिन ये वाला R मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से ये V इज इक्वल टू IR से भी I जो निकलता है V बाय R है ना, और यहाँ से जो I निकलता है वो सेम ही होता है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी अगर आपने ध्यान से पढ़ा है। ठीक है, तो देखो जरा 0.5 इंटू में R, R कितना आया हमारा ये 17 आया, तो देखो यहाँ से भी निकल जाएगा ये 5 बाई 10 इन अपॉन में ये 17, 5 टू ज़ा ठीक है समझ गया ना ये, और 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10, तो 8.5 यहाँ से भी आ रहा है। तो ये ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लो आप, करो इसको जल्दी से नोट। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.11, ये करते हैं, करो जल्दी से इसको नोट। हाँ जी कर लिया नोट, चलो देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में आपको 3.11 में, बहुत ही सिंपल है लेकिन चार्जिंग वाला कंसेप्ट आएगा और साथ में जो कनेक्शंस मैंने भी बताए थे आपको सीरीज वाले उसका भी थोड़ा सा यूज़ होगा यहाँ पर। देखो क्या कह रहा है, अ स्टोरेज बैटरी, देखो क्वेश्चन 3.11 में क्या कहता है, अ स्टोरेज बैटरी ऑफ EMF है 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसका 0.5 ओम। देखो EMF जो है इसका वो कितना है 8 वोल्ट और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 0.5 ओम। इज बीइंग चार्ज्ड बाय अ 120 वोल्ट DC, तो मतलब अगर ये E1 है हमारी ठीक, और E2 क्या होगी हमारी, देखो 120 वोल्ट होगी, 120 वोल्ट क्योंकि उसने DC सप्लाई किया यूजिंग अ सीरीज रेजिस्टर, सीरीज रेजिस्टर कितना है हमारा ये 15.5 ओम का है, 15.5 ओम का है ऐसे सोच लो। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, मतलब V आपको निकालना है इसमें टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज समझ गए ना, TPD टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग द चार्जिंग, चार्जिंग के टाइम, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर इन द चार्जिंग ऑफ द सर्किट। देखो सबसे पहले इसका डायग्राम समझो, देखो जैसे उसने कहा ये आपके पास एक स्टोरेज बैटरी है इस तरीके से, ठीक कितनी की है ये 8 वोल्ट की है और सेल या बैटरी हो तो एक ही कहानी चलती है, ठीक है, और इसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है R वो कितना है 0.5 ओम का है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, चार्ज किया किससे, 120 वोल्ट, तो चार्ज जब हम करते हैं तो प्लस को प्लस से देखते हैं, ठीक है बैटरी लगा दिया मान लो ये हमने इस तरीके से सेल को जोड़ दिया, और जो इसके साथ एक रेजिस्टेंस है इसका सीरीज में है वो कितना है 15.5 ओम, ठीक है, और ये है 120 वोल्ट की। ठीक, अब देखो बच्चे क्या सोचते हैं इसमें, ये शायद पैरेलल में लगा हुआ है ये इस तरीके से, नहीं पैरेलल में नहीं है ये, पैरेलल में कब बनता, जब मैं इसका एक टर्मिनल यहाँ निकालता एक यहाँ निकालता तब होता, अभी थोड़ी है ये, ठीक है अभी तो ये तारें ऐसे जुड़ी हुई हैं इस तरीके से ऐसे, तो ये सीरीज में, अगर मैं इसको ऐसे सोच लूँ, देखो ऐसे भी तो बना सकता हूँ मैं इसको, ये बैटरी लग गई ये इसका हो गया, ठीक है इसको पलट के मैं ऐसे कर दूँ, यहाँ से ये तार लंबी करूँ और इसको ऐसे यहाँ लगा दूँ इधर, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ आएगा देखो ये वाला R 15.5 ओम का, समझ रहे हो ना, ये तार लंबी करी यहाँ से और इसको पकड़ के ऐसे यहाँ ले गए, तो ये यहाँ आ गया, ये R तो यहाँ 0.5 ही था और ये 8 वोल्ट की है E1, ठीक है क्लियर, तो ये यहाँ आ गया और ये वाली बैटरी इधर आ गई ऐसे, तो ये वाला देखो ये सिरा इसका यहाँ आया ना ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे गया, तो ये माइनस यहाँ आएगा, देखो ये माइनस यहाँ इसका, ये बैटरी ऐसे लग जाएगी ना इसमें, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसको तार को पकड़ के ऐसे किया हमने, तो ये वाला प्लस ऐसे इधर आ जाएगा यहाँ जैसे ये आया, ठीक है इसको ऐसे समझ लो, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे समझ सकते हो या नहीं बताओ। अब देखो जरा इसमें अगर ये चीज़ आपके समझ में आ रही है कि हमने ये क्या किया है यहाँ पर, तो इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, हम यहाँ से अगर हम V निकालना चाह रहे हैं ना, V निकाल रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमें पता है चार्जिंग का केस, चार्जिंग में ये V क्या हो जाता है हमारा ज़्यादा हो जाता है, तो ये E प्लस में IR बनता है, वैसे क्या होता है E माइनस में IR, लेकिन चार्जिंग के केस में ये बनता है हमारे पास, तो इसमें E है हमारे पास ठीक है 8 वोल्ट है, R भी पता है, I नहीं पता, तो I क्या होगा इस पूरे सर्किट का, जब हमें ये नेट E पता होगी तो E कैसे निकलेगा नेट इक्विवेलेंट, मैंने बताया था अभी अगर सेल है या बैटरी है तो मैंने बताया था ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है,
तो यानी कि ये माइनस होंगे, और बड़े में से छोटा माइनस होगा तो ये E2 माइनस होगा, E2 में से मतलब बड़ा ही है ना, तो E2 में से ये E1 माइनस होगा, यही बताया था मैंने, बड़े में से छोटा माइनस होता है क्योंकि ये माइनस माइनस, अगर ये वाली प्लस प्लस ऐसे होती, प्लस यहाँ होता तो ऐड होते, ठीक है ना, और चार्जिंग में है तो भी बात है ऐसे चार्ज होगा, प्लस से प्लस माइनस से माइनस, तो ये चीज़ ऐसे यहाँ उठ के चली गई। तो ये सीरीज है, बच्चे सोचते हैं यहाँ से देख के कि ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल कब होता है जब ऐसे टर्मिनल निकल जाते हैं, ये भी चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए इस केस में, ठीक है। ये तो तार लंबी करके मैंने ऐसे लगा दी बस, और क्या होगा, समझ रहे इतनी बात। तो ये ई टू माइनस ई वन 120 में से 8 माइनस करोगे तो 112 वोल्ट आ गया ये, ठीक है। अब इक्विवेलेंट अगर मुझे पता चल गया तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट भी पता चल गया सीरीज में, इसलिए हमने इस तरीके से लगाए थे कि ये सीरीज में बना यहाँ पर, तो सीरीज में है तो ये आर प्लस में आर हो जाएगा, यानी कि 15.5 प्लस में 0.5 दैट इज़ अ 16 ओम बन गया, ये दिखाई दे रहा है। तो अब आई तो हम निकाल ही सकते हैं इस केस में, तो आई क्या बनेगा हमारा, दिस वोल्टेज 120 वोल्ट 112 और ये वाला आर इक्विवेलेंट ये क्या है हमारा 16, तो 16 सेवन का क्या होता है हमारा 112 होता है, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये 8 है E की वैल्यू, I हमारा 7 आया है और ये कितना आया 0.5, तो देखो 8 प्लस में 7 और ये स्मॉल r की वैल्यू 0.5 है ना, तो 7 इंटू में 5/10 दैट इज 5/2, तो 8 प्लस में 7/2, 8 प्लस में 2 3 6 एंड 2 5 10, तो ये कितना आ गया हमारे पास 11.5 वोल्ट आ गई टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है ना, क्या है ये हमारी टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक। अब जो उसने बोला है कि ये सीरीज में क्यों रेजिस्टेंस लगाया हमने ये 15.5 ओम का, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ हैविंग अ सीरीज रेजिस्टर इन चार्जिंग द सर्किट, देखो सीरीज में अगर रेजिस्टर लगाया है हमारा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, करंट को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर 120 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने चार्जिंग में, तो अगर ये रजिस्टर नहीं लगाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है बहुत हाई करंट में, ये डिस्ट्रॉय भी तो हो सकती है पूरी पूरी बैटरी जो यहाँ लगी हुई है। तो इसलिए कि एक लिमिट में चले करंट, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये लगाया कि अब ओवरऑल करंट जो हो जाएगा इसकी वजह से कम हो जाएगा यहाँ पर, तो ये चार्ज हो जाएगी आराम से, ख़राब भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसी लाइन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले आप ये नोट करो जल्दी से करो नोट। तो सीरीज रेजिस्टर क्या करेगा यहाँ पर, लिमिट करेगा करंट को, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, ऑब्वियसली बात है कम करेगा, क्योंकि अगर वो नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, करंट जो होगा वो डेंजरसली हाई होगा, क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो ये हमने कर लिया यहाँ पर, सेल के बारे में पढ़ लिया, EMF TPD पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे इन सीरीज पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग करेंगे, जिसमें हम n नंबर ऑफ सेल्स लगाएंगे, ठीक है ना, जिनका EMF सेम होगा लेकिन n नंबर होंगे, मतलब बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो उनको हम सीरीज में लगाते हैं तब EMF क्या बनता है और करंट क्या आता है, और जब पैरेलल में लगाते हैं तब करंट और EMF क्या आता है, या फिर हम बात करेंगे मिक्स्ड में, जब सीरीज पैरेलल दोनों में लगा दें n नंबर ऑफ जो सेल्स हैं हमारे, तब क्या होगा, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।